नमस्कार मु वर्खा आज आपण को आम चैनल ले स्वागत करुची। आज आम आलोचना करिबा गोईठी दरज हबार कारण कौन सबू रही गोईठी दरज होइतेले आमे किपरि घरोई उपचार रे ताकू भल कर पारिबा। किंतु एबे जके जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहंती ताले सब्सक्राइब करनियंतु भूलिबेनी बेल बटन क्लिक करिया को। बेल बटन क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे आमर अपकमिंग वीडियोस रो। एवं आपण को जदि आम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक कमेंट और शेयर करिया को भूलिबेनी। तो चलंतु जानिबा किपरि आमे गोईठी को सुस्थ रखि परिबा एवं गोईठी दरज हबार कारण कौन सब रहिछि। तो प्रथम कारण होछि जदि आपण को राति रे ठीक से निद होनी एवं आपण राति रे निद हबा पई कि स्लीपिंग पिल्स नेबे ताहले मध्य आपणकर गोईठी दरज होइथाए। सेथिपाई कि आपण को जदि एही कष्टरु पीड़ित हबार नाही ताहले राति रे आपण सोइबा पई कि स्लीपिंग पिल्स नियंतुनी एवं आपण सुस्थ रहंतु। द्वितीय कारण होछि जदि आपण ऑफिस रे किंबा घरे अधिकरु अधिक समय ठिया होई कि रहिबे तेबे मध्य आपण को गोईठी उपरे खराब प्रभाव पकेथाए एवं आपणकर गोईठी बहुत दरज होइथाए। तृतीय कारण होछि जदि आपण को वेट अधिक रहिबो ताहाले मध्य आपण को गोईठी उपरे अधिक प्रभाव पकेथाए। जदि आपण चालुचंदी दौड़चंदी किंबा ठिया होचंदी ताहाले आपणकर शरीरर पूरा वेट गोड़ उपरे आसीथाए जोपई आपणकर गोईठी दरज होइथाए। चतुर्थ कारण होछि जदि आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम रे कोनोसी प्रकार असुविधा रहिबो तेबे मध्य आपणक गोईठी उपरे बहुत खराब प्रभाव पकेथाए। सेथिपई कि चेष्टा करिबे एमिति सबु जिंस खाइबा पई जोटा आपण हजम करि पारथिबे एवं आपणक डाइजेस्टिव सिस्टम रे कोनोसी प्रकार असुविधा हो नथिबो। पंचम कारण होछि जदि महिला एवं झियो माने अधिक समय पई हील पिंधिके रहिबे तेबे मध्य सेमानकर गोईठी रे दरज होइथाए। एवं जदि आपण को एही कष्टरु पीड़ित हबार नाही ताहाले आपण हील पिंधि परिबे किंतु ता सहित आपण चप्पल एवं अन्य कोनोसी प्रकार जोता पिंधंतु हेले आपण को गोईठी को कष्ट होइनथाए एवं आपण सुस्थ रहिथांती। तो एबे चलंतु जानिबा जदि आम गोईठी दरज होइछि ताहाले किपरि आमे घरोई उपचार रे ताकु भल करि परिबा। सेथिपई कि प्रथम उपाय होछि आपण गोटे बड़ कप रे राशि तेल नियंतु ताकु आपण गरम करिया पे गैस उपरे लो फ्लेम रे कर देबे। सेथिरे दुईटा कि तीनटा रसुण छेचिकी पकेबे एवं गोटे छोट चामच जुआणी पकेबे। जेतेबेले से तेलटा फुटी जिवो ताकु थंडा करिया को रखि देबे। अल्प थंडा हेला परे ताकु आणी कि आपण गोड़ रे मालिश कर देबे एवं सही तेलटा को राति पर्यंत लगे कि रखिबे। ता पर दिन सखाळे देखिबे आपण को बहुत भल लागिथिबो एवं एही उपचारटा आपण सबुदिन करि परिबे। नहले आपण खीर रे गोटे छोटे चमच हळदी पके मध्य पी परिबे। एही उपचारटा जदि आपण सबुदिन करूचंदी ताहले आपण विभिन्न प्रकार रोगरु मुक्ति पांती एवं ता सहित आपण को गोईठी रोगरु मध्य मुक्ति पाइबे। नहले आपण गरम पानी एवं लुणर व्यवहार रे मध्य आपण को गोईठी जदि दरज होइछि सेतरो मुक्ति पाइ परिबे। सेथिपई कि आपण को गोटे बड़ जगह रे पानी नबार अछि सेही पानीटा को आपण पूरा भल से गोटे छोटो चम्मच लुण पकेई कि सिझाई देबे। तापरे सेटा जेतले अल्प थंडा होइ जिवो सेतरे दुई पाद रखी कि आराम से बसिबे। तार अध घंटा घंटे परे आपण दुई जक गोड़ काढ़ी देकि डायरेक्ट सोई पड़िबे। हेले तापर दिन सकाळे देखिबे आपण को शरीर रे जे कोनोसी भाबर कष्ट रहोची किंबा गोईठी रे कोनोसी भाबर कष्ट रहोची सी सब भल होइथाए। नहले आपण बरफ लगे मध्य
ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିର ଦରଜ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆଇସ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ବରଫ ଦରକାର। ସେହି ବରଫ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଇଠି ଦରଜ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଗୋଇଠି ଦରଜ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିପରି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଭଲ କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଟନେସ୍ ଟିପ୍ସ ଦରକାର, ଯେପରି ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ୍, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ଯୋଗ, ୱେଟ୍ ଲସ୍, ହାଇଟ୍, ଏହି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିପ୍ସ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏନ୍ଭି ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ। କରାଟେ, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ, ୱେଟ୍ ଲସ୍, MMA, ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ରହିଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।